ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुण कन माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधिनन दोष दहन गुण गहन घन अरि करि हरि अरहन स्वानुभूति रमनी रमन जगनायक जयवन सिद्ध शुद्ध साधित सहज समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुखकार जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्यात्पद मुद्रित अहित हर करहु सकल कल्याण मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैन मान बिन दान धन एन हीन तन छीन यह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत उदंगल दूरी सब तम ज्यों भानु उद्योत। अपना विषय चल रहा है गुणिस्थान चर्चा का। गुणिस्थान चर्चा में दूसरा गुणिस्थान सा साधन सम्यक्त्व। जो सम्यक्त्व विराधना सहित होता है उसे सा साधन सम्यक्त्व कहते हैं। इस दूसरे गुणस्थान में इस जीव ने ऊपर के गुणस्थानों में जहाँ औपसमिक सम्यक्त्व प्राप्त किया था उस औपसमिक सम्यक्त्व की विराधना की और उसकी विराधना करके यह जीव दूसरे गुणस्थान को प्राप्त हुआ है। ऐसे इस दूसरे गुणस्थान के स्वरूप को भी अपन ने अच्छे से समझने का प्रयास किया, उसका लक्षण जाना कि दूसरा गुणस्थान औपसमिक सम्यक्त्व के ही काल में से जब अनंतानुबंधी का उदय आता है तब दूसरे गुणस्थान में आ जाता है और दूसरे गुणस्थान में कम से कम एक समय और अधिक से अधिक छह आवली काल तक वहाँ रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतना ही उसका दूसरे गुणस्थान का काल है। इतनी बात करने के बाद फिर हम और आगे बढ़े तो देखा कि दूसरे गुणस्थान वाला यदि कहीं गमन करे तो कहाँ कहाँ तक गमन कर सकता है। गमन का मतलब कहीं पैदल चलना नहीं है, घूमना फिरना नहीं है। गमन का मतलब दूसरे गुणस्थान से कौन से गुणस्थान में जा सकता है, ये है गमन। और दूसरे गुणस्थान में कौन से गुणस्थान से आ सकता है, इसका नाम है आगमन। इतनी चर्चा की। यह चर्चा करने के बाद फिर हमने देखा किस दूसरे गुणस्थान में और क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, इनकी विशेषताओं के संबंध में भी हमने जानकारी प्राप्त की थी। अब अंतिम चरण पर हैं इस दूसरे गुणस्थान के। इसमें अब अपन देखेंगे कि इस गुणस्थान के बारे में जितना हमने जाना समझा, इसकी विशेषताएं जानी, उसको समझने से सुनने से पढ़ने से हमें लाभ क्या होगा अथवा हम क्या लाभ ले सकते हैं, क्योंकि हर जगह लाभ ही लेना है। पहले ही बात कर चुके हैं कि बिना लाभ के तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम नहीं करता है। तो यदि हम ये पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो लाभ होगा ही अथवा हुआ ही है। तो क्या क्या लाभ हुआ हम दो देखते हैं कि दूसरे गुणस्थान को समझने से क्या लाभ हो सकता है। देखिए, इस गुणस्थान को समझने से लाभ, ठीक है, अच्छा अलग स्टाइल में आया इसलिए हंस रहे हो, अच्छा अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अब अपन देखते हैं
इसको पढ़ने से क्या क्या लाभ है। पहला बिंदु है, इसे जानकर यह तो सिद्ध हो ही गया कि इस गुणस्थान वाला भव्य ही है। कितना बड़ा लाभ है इस दूसरे गुणस्थान को जानने का, क्योंकि पहले गुणस्थान को जब हम जानते हैं, पहला गुणस्थान पढ़ते हैं, तो यह जीव भव्य है कि अभव्य हमें कहां पहचान हो पाती है। अभी हम जितने सब यहां पर बैठे हुए हैं, हम भव्य हैं कि अभव्य कौन कह सकता है? कोई नहीं कह सकता, क्योंकि भव्य भव्य की पहचान का चिन्ह हमारे पास है ही नहीं, हमारे ज्ञान का ये बन नहीं सकता। वो तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान का विषय है, अथवा अवधि ज्ञान मन पर ज्ञानी जान सकते हैं, लेकिन हम तुम नहीं जान सकते। इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव की, ये भव्य है कि अभव्य है उसकी पहचान करना हम तुम जैसों के द्वारा संभव नहीं है। यह निर्णय नहीं कर सकते कि यह भव्य है कि अभव्य है। भले ही स्वाध्याय करता हो, पूजन करता हो, विधान करता हो, व्रत उपवास आदि भी करता हो, बहुत धार्मिक काम कर रहा हो, लेकिन इससे भी हम निर्णय नहीं कर सकते कि यह भव्य है कि अभव्य है। वैसे देखा जाए तो हमें दूसरे के बारे में तो प्रयास करना भी नहीं चाहिए कि यह भव्य है कि अभव्य है, क्योंकि हम मुफ्त में ही किसी न किसी को सर्टिफिकेट देने का प्रयास करते हैं। अरे ये तो बहुत पाप करता है, स्वाध्याय भी नहीं करता, पूजन में भी नहीं करता, प्रवचन में भी नहीं जाता, अरे मंदिर ही नहीं जाता कभी, ये तो पक्का कौन होगा? अभव्य होगा। इसको कुछ धर्म की बात सुनाओ जमती नहीं, आत्मा की बात कहो कहता अरे मत सुनाओ मुझे आत्मा फात्मा की बात, पक्का ये कौन होगा? अभव्य होगा। ये जब भी देखो तो इधर उधर खेलता कूदता रहता है, धर्म की बात सुहाती नहीं है। जब जाएगा तो वहां पर बैठेगा जहां लोग जुआ खेलते हैं, रात रात में हर घूमते हैं, गप्पे लगाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, ऐसी जगह जगह जाकर बैठता है, कभी भी अच्छे काम एक भी नहीं करता है, पक्का ये कौन है? अभव्य है। हमेशा दूसरे से एक दूसरे से लड़ता रहता है, जब देखो जब लड़ाई झगड़ा करता रहता है, तो अपन इसमें कौन सा सर्टिफिकेट देते हैं? अभव्य तो ठीक है, कौन सा सर्टिफिकेट देते हैं? नारकी है तो कैसा है? हमेशा देखो लड़ता ही रहता है, नरकों में जैसे लड़ते हैं ऐसा भी लड़ता है, बात बात पे तुनक जाता है, सनक जाता है, ऐसे कई लोग होते हैं ना। माने कई लोग ऐसे होते कि नहीं होते, माने बात की इसका मतलब तुरंत, जैसे कहते ना बनना, वो क्या कहते हैं उसको, हाँ सनकी टाइप का बोलते हैं, माने तुरंत मतलब बात करना ही पाप है ऐसा समझो, और कैसे हो तुम्हें अभी ये पूछने की पड़ी है कैसे हो, दिखता नहीं है। अरे हम तो पूछ ही तो रहे हैं हाउ आर यू भी नहीं पूछ सकते। अरे तो हाउ आर यू अभी पूछोगे तुम, पता है मैं पलंग पे पड़ा हूं, लेटा हूं, कुछ ना कुछ तो परेशानी है, और हाउ आर यू दिख रहा दिख नहीं रहा कि मैं बीमार पड़ा हूं। अरे तो मैं वही तो पूछ रहा हूं, हाउ आर यू, सो प्लीज गिव मी आंसर, आई एम इन सिक, कहो ना कि मैं बीमार हूं। पूछ भी नहीं सकते, अच्छा चलो दवाई ले लो, दवाई ऐसे देते हैं, इतने बजे देते हैं, जल्दी से नहीं दे सकते, चल ठीक है कोई बात नहीं टाइम पे देंगे, लो खोल के भी नहीं दे सकते, आदमी है कि क्या है? अरे मतलब जिनको सनकना है उनको तो, अब ऐसे लोग होते हैं माने हर चीज में लड़ना लड़ना लड़ाई लड़ाई, तो अपन पक्का ये तो या तो नरक से आया है या नरक में, जब भी देखो लड़ते ही रहता है लड़ते ही रहता है कुछ ना कुछ बात पे, फिर गुस्सा फिर गुस्सा फिर गुस्सा, तो अपन जबरदस्ती मुफ्त में भी किसी को सर्टिफिकेट देते रहते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि जो अभी लड़ रहा है वह नरक में जाएगा अथवा नरक से आया हो। अच्छे अच्छे ऐसे हो गए हैं अंजन चोर जैसे, जो
इतने पाप तो अपन ने भी नहीं किए होंगे, हो सकता है जितने अपन से ज्यादा उसने किए होंगे, लेकिन उस जमाने में कोई होता तो सब क्या कहते होंगे, महापापी, ये तो सातवें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। कहां जगह नहीं मिलेगी? सातवें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, तो आठवां निकालना पड़ेगा नरक। लेकिन क्या गजब है कि उसी भाव से अंजन चोर निरंजन बन गया, मोक्ष चले गए। तो हो सकता है कि नहीं? इसलिए हम किसको अभव्य कहें, किसको नारकी कहें, किसको तिरंच कहें, हैं जानवर भी कह देते हैं। जानवर हो क्या? हैं ढोरों जैसे काम करते हो, गधे हो क्या? मतलब किसी को भी गधा बना देते हैं, किसी को भी जानवर बना देते हैं, किसी को भी नारकी बना देते हैं, ये हम कुछ भी अपने मन से कहते हैं। लेकिन ऐसा कहना ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, वास्तव में सत्य नहीं, इनमें वास्तव में एक्चुअल में कोई फैक्ट नहीं है। यदि देखें तो धार्मिक दृष्टि से देखें, कोई भी अभी कैसा भी हो, किसी रूप में प्रणमन कर रहा हो, एक समय में कहां क्या परिवर्तन हो जाए, और हो सकता है अच्छे अच्छे समझाने वाले समझाते रह जाए जिंदगी भर, और समझने वाला एक मिनट में समझ के और अपना काम कर ले। इसलिए किसी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। बात तो हमें करना है दूसरे गुणस्थान की। उसी प्रसंग को लेके बात की कि हम पहले गुणस्थान वाले को तो हम कह नहीं सकते कि कौन क्या है, भव्य है कि अभव्य है, कि नरकों में जाएगा कि त्रेंचों में जाएगा, कि क्या है क्या नहीं है, कह नहीं सकते। लेकिन दूसरे गुणस्थान वाले का तो पक्का हो गया। क्या पक्का हो गया? कि यह नियम से भव्य ही है। कैसे पक्का हो गया? क्योंकि एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करके लौटा है, और जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुका है वह भव्य नहीं होगा तो क्या होगा? सुप्रीम क्या होगा? भव्य ही है। क्योंकि भव्य का मतलब ये है जिसमें सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता हो, शक्ति हो, सामर्थ हो, तो उसने सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया। अब भले ही वो वापस आ गया हो, लेकिन सम्यक दर्शन प्रकट कर चुका है जो, वह नियम से भव्य ही हो सकता है, अन्य कोई नहीं। इसलिए दूसरे गुणस्थान वाला नियम से क्या है? भव्य ही है, ये बात पक्की हो गई। तो इसलिए इससे क्या क्या खास फायदा हमें और मिला? यदि दूसरे गुणस्थान में हम चले जाएं एक बार, तो हमारा पक्का हो गया कि हम क्या हैं? भव्य ही हैं। पहले में तो नहीं कह सकते, दूसरे में तो गारंटी है। अब अपन दूसरा बिंदु देखते हैं। एक लाभ तो दूसरे गुणस्थान को समझने से मिलता है। नंबर दूसरा क्या लाभ है? यद्यपि मोक्ष मार्गी तो नहीं, किंतु अल्पकाल में नियम से मोक्ष जाएगा। ये वाली बात भी पक्की है। क्या पक्की है? अरहम क्या बोले? यद्यपि यह मोक्ष मार्गी तो नहीं। मोक्ष मार्गी क्यों नहीं? क्योंकि मोक्ष मार्गी तो वो होते हैं जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाले होते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, जिनको सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, वे मोक्ष मार्गी कहलाते हैं। इसके तो सम्यक दर्शन भी नहीं है। जब सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक ज्ञान भी नहीं है, और सम्यक ज्ञान नहीं है तो सम्यक चारित्र कहां से होगा? इसलिए यह मोक्ष मार्गी तो नहीं है, ये बात पक्की हुई। तो मोक्ष मार्गी तो नहीं है, लेकिन क्या फिर इसमें क्या विशेषता है? यद्यपि यह मोक्ष मार्गी तो नहीं, किंतु अल्पकाल में नियम से मोक्ष जाएगा। हाउ कम यू से ही विल गेट सल्वेशन? मोक्ष जाएगा कैसे कह सकते हो? बहुत बढ़िया, सबका जवाब एक ही है। एक बार सम्यक दर्शन जो प्राप्त कर चुका है वो अभी नहीं तो कभी, और ज्यादा से ज्यादा किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा संसार में रहने वाला नहीं है। वह नियम से उसके अंदर ही मोक्ष जाएगा ही जाएगा। दो बात हो गई। नंबर तीन अपन देखते हैं, तीसरा पॉइंट। यह बहिरात्मा होने पर भी प्रथम गुणस्थान से अशुद्धता में हानि और विशुद्धता में वृद्धि होने से श्रेष्ठ है। क्या बोले नमन? क्या समझ में आया कि यह क्या है? यद्यपि यह क्या है? बहिरात्मा है। आज अपन ने सुबह चर्चा की थी कि बहिरात्मा है।
बहिरात्मा तो है, पहले गुणस्थान वाला ही बहिरात्मा है, दूसरे वाला ही बहिरात्मा है, तीसरे वाला ही बहिरात्मा है, तीनों बहिरात्मा है, लेकिन तीनों के बहिरात्मपन में अंतर है। पहले वाले बहिरात्मापन अलग टाइप के हैं, दूसरे वाले अलग हैं और तीसरे अलग हैं। जैसे एक ही कक्षा में उपाध्याय कनिष्ठ में मान लो 6 विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थी हैं, तो मुझे बताओ कि पांचों विद्यार्थी कौन सी क्लास में कहलाएंगे, उपाध्याय कनिष्ठ में। लेकिन पांचों में अंतर हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्या है ही, सब में है। अब भी मान लो जो विषय पढ़ाया जा रहा है उसकी परीक्षा ली जाए तो हर एक के नंबर अलग अलग आते हैं, हर एक की राइटिंग अलग अलग, हर एक की बुद्धि अलग अलग, खेलेंगे तो सब में खेल में अलग अलग, दौड़ेंगे तो दौड़ करा लो तो उसमें एक फर्स्ट आएगा, एक सेकंड, एक थर्ड, एक फोर्थ, एक फिफ्थ, सब आएंगे। तो ये सब अलग अलग, लेकिन क्लास कौन, जब मीटिंग ली जाएगी कि उपाध्याय कनिष्ठ वाले विद्यार्थियों को बुलाना है तो कैसे बुलाया जाएगा अनुराग, उपाध्याय कनिष्ठ के सभी आ जाओ इतने बजे, ऐसे ही बुलाएंगे ना, नहीं कैसे बुलाएंगे, जो सबसे ज्यादा बुद्धि वाला है वो पहले आए, फिर दूसरे नंबर कम वाला बुद्धि वाला है, फिर तीसरे वाला है, फिर चौथे वाला है, फिर पांचवें वाला है, जो सबसे अच्छा खिलाड़ी है वो भी आए, फिर दूसरा उससे कम खिलाड़ी है वो भी आए, फिर तीसरा कम खिलाड़ी वो भी आए, फिर ऐसा हर एक को ऐसे सब बुलाएंगे। अरे जिसकी सबसे लंबी हाइट है वो भी आना, उससे कम वाली हाइट भी वाला आना, फिर तीसरे उससे भी कम हाइट वाला आना, ऐसे भी आना, ऐसे बुलाएंगे। जिसका 60 किलो वजन है वो वाला भी आना, 55 किलो वाला भी आना, 50 किलो वाला भी आना, 45 किलो वाला भी आना और 40 किलो वाला, ऐसा ही बुलाएंगे, कैसे बुलाएंगे, ऐसे बुलाएंगे तो हो गए पागल फिर सब। सीधा उपाध्याय कनिष्ठ के कक्षा 11वीं के विद्यार्थी 9 बजे यहां पर उपस्थित होंगे। इतना सुनते ही हर एक को ऐसा ही महसूस होता है कि मैं उपाध्याय कनिष्ठ का कक्षा 11वीं का विद्यार्थी हूं, तो अपने आप ही वहां पहुंच जाता है। तो देखिए, एक अपेक्षा से तो सब समान हैं क्योंकि कक्षा 11वीं में हैं, लेकिन दूसरी अपेक्षा से सब असमान हैं। ऐसे ही पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान वाले किसी अपेक्षा से सब के सब तीनों बहिरात्मा ही हैं, लेकिन बहिरात्मा की जो उनकी क्लास है, तीनों की एक ग्रुप वाले हो गए बहिरात्मा की दृष्टि से, उस क्लास में भी तीनों में अंतर है। एक पहले गुणस्थान वाला है, एक दूसरे वाला है और एक तीसरे वाला है। अपन ने पहले भी इसमें अच्छे से अंतर जान चुके हैं, अब ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। तब देखना है कि यद्यपि बहिरात्मा होने पर भी प्रथम गुणस्थान होने से, प्रथम यह बहिरात्मा होने पर भी प्रथम गुणस्थान से, प्रथम गुणस्थान से तुलना कर रहे हैं, से अशुद्धता में हानि और विशुद्धता में वृद्धि होने से श्रेष्ठ है। माने पहले गुणस्थान में जो अशुद्धता है उससे कम अशुद्धता कहाँ है, दूसरे गुणस्थान में, और पहले गुणस्थान में जो विशुद्धता है वहां तो विशुद्धता क्या है वास्तव में, फिर भी मान लें करण लब्धि में कहीं हो जाती है, प्रायोग लब्धि में भी हो जाती है, और देखा जाए तो तारतम्य से अनेक जगह पर हो जाती है, तो वहां की विशुद्धता की अपेक्षा से दूसरे गुणस्थान वालों की विशुद्धता कुछ अधिक है। इस अपेक्षा से पहले वाले से दूसरा वाला श्रेष्ठ है। दोनों बहिरात्मा होने पर भी एक बहिरात्मा वाले की क्वालिटी निम्न है और एक की थोड़ी सी ठीक है, अच्छी है, ये इसमें अंतर हो गया। अब अपन अगला बिंदु देखते हैं, चौथा। इस गुणस्थान वाले की नरक गति तो छिद ही गई, ये बात पक्की हो गई बात, ये लाभ है, ये सब हमें जान रहे हैं, ये सब लाभ हैं, हमें निर्णय हो जाता है। जैसे अपन नहीं कहते कि एक बार बंदे जो कोई ताकि नरक पशु गति नहीं हुई, कहां बंदे, किसको बंदे, कहां किसको बंदे, समय शिखर जी की यात्रा करे तो क्या क्या हो जाएगा, नरक गति नहीं होगी, त्रिंची गति नहीं होगी, और कौन सी नहीं होगी, बस नरक गति नहीं होगी और त्रिंची गति नहीं होगी। ये स्थूल रूप से कह देते हैं, कदाचित तो हो भी जाए ऐसा यदि पुण्य बांध ले, गारंटी कुछ नहीं है, गारंटी वो भी नहीं है,
हाँ कसाई की मंदता हुई हो, परिणामों में विशुद्धता हुई हो, तब तो कदाचित अंतर आ भी जाए, लेकिन पहाड़ पे तो चढ़ गए, कब तक चढ़ेंगे, कब तक चढ़ेंगे, कब तक चढ़ेंगे 27 किलोमीटर, अरे चलो यहीं ले लेते हैं कुछ लाभ, नींबू पानी यहीं ले लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, नहीं तो नीचे उतरते उतरते पता ना चला जाए सबसे ऊपर चले गए हैं, थक गए थक गए, अब कब पहुंचेंगे नीचे, कब पहुंचेंगे, कहां फंसे, आते ही नहीं तो अच्छा था। ऐसे समय शिखर की यात्रा करने वालों की नरक पशुगति छिट जाएगी, बढ़ और जाएगी एकाध, सही में ऐसा ही है। इसलिए परिणामों की विशुद्धता हो, कषायों की मंदता हो, तब तो काम हो भी जाए, यदि कषायों की मंदता ना हो, परिणाम विशुद्धता ना बढ़े, तो वहां पर भी कहते हैं कि कई लोग तो जैसे जंगल में भी जैसे मोही जीव होते ना, तो यदि वो जंगल में भी चले जाएं तो वहीं पर मोह पैदा कर लें नए नए जीवों से, तो वहां स्थान से मोह हो जाता है, पशुओं से मोह हो जाता है, वृक्षों से मोह हो जाता है, ये सबसे बढ़िया वृक्ष है, अच्छी इसमें छाया भी है, यहीं रहेंगे। मान लो कोई मुनिराज हो, दीक्षा ले ली हो, गुणस्थान पहला है, अभी भावलिंगी संत नहीं बने, पहले गुणस्थान में है, मिथ्या दृष्टि मुनिराज मोही है, अब मान लो क्षणिक वैराग्य हुआ था, दीक्षा ले ली, अब जंगल में चले गए, मोह तो है, मोह तो गया नहीं, तो घर वालों की याद आएगी सो तो अलग, लेकिन अब घर वापस तो जा नहीं सकते, तो वहीं घर बसा लेते हैं। अच्छा कैसा घर बसा लेते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं वहीं अपनत्व तो होने लगता है, यही अच्छी जगह है, ये अनुकूल है, ये वातावरण अच्छा है, अच्छा वृक्ष भी बढ़िया है, जगह भी अच्छी है, बढ़िया है, यहाँ के पशु पक्षी भी डिस्टर्ब नहीं करते, अथवा जो भी है सारी अनुकूलता है, वहीं मोह उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसा क्या मतलब का है कि मोह यहाँ था और वहां पर भी है, निकले थे तो मोह त्याग के निकलते, असली बात तो ये थी। इसलिए बात तो ये करना है कौन सी, कि वहां पर सम्मे से खरादी चला जाए, लेकिन भावों में विशुद्धता ना हो तो कुछ भी होने वाला नहीं है, ये गतियां छिदने वाली नहीं है, एक बात। दूसरा, दूसरे गुण स्थान में यदि कोई आया है वहां, लेकिन पक्का हो गया कि अब इसके नरक गति होने वाली नहीं है, अथवा नरक आयु में जाने वाला नहीं है, ये बात एकदम पक्की हो गई, पहले वाले का ऐसा कोई निर्णय था नहीं, पहले वाले तो नरक में जा भी सकते हैं लेकिन दूसरे वाले नरक में नहीं जाएंगे, यह तो पक्का हो ही गया। वहां सम्मे शिखर जी की यात्रा करने वालों की उतनी गारंटी नहीं है, लेकिन इसकी गारंटी जरूर है कि दूसरे गुण स्थान में है तो अब नरक में नहीं जाएगा। ठीक है, एक बात फिर से सुन लेना, इसमें हम कोई सम्मे शिखर जी की महिमा कम नहीं करना चाहते, जाना चाहिए, बार बार जाना चाहिए, तीर्थ यात्रा करना चाहिए, सब जगह दर्शन करना चाहिए, करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है, जितनी शक्ति है क्षमता है जितने सामर्थ्य है जाना भी चाहिए, इसलिए उनकी महिमा है, क्योंकि जैसे क्षेत्र पर जाते हैं हमारे परिणामों में अंतर आता है, इसलिए महिमा तो है, लेकिन चेतावनी भी साथ में कि मात्र घूमने फिरने जाने से ही हमारा बहुत बड़ा काम हो गया, हमने खूब यात्राएं कर ली तो हमारी तो सारी गतियां छिद गईं, ऐसा भ्रम भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि घूमने फिरने से यात्रा मात्र करने से कुछ नहीं होता, परिणामों की विशुद्धता से फर्क पड़ता है। ठीक है, देखिए अब आगे अगला बिंदु, पांचवा लाभ दूसरे गुण स्थान को जानने से, एक देश जिन कहकर आचार्यों ने इसे प्रोत्साहित किया है, जिससे यह भी निर्णय हुआ कि यह संसारियों में कुछ विशेष है। क्या निर्णय हो गया, तो सबसे पहले एक देश जिन कहकर आचार्यों ने इसे प्रोत्साहित किया है, देखा जाए तो एक देश जिन संज्ञा तो चौथे गुणस्थान से है, कहां से है, चौथे गुणस्थान से, क्योंकि जिनेंद्र भगवान आत्मज्ञानी हैं और चौथे गुणस्थान वाले भी आत्मज्ञानी हैं,
तो नाटक समय सरादी ग्रंथों में तो उनको लघु नंदन भी कहा, ऐसे शब्द भी आते हैं चौथे गुलिस्तान वाले के। तो देखा जाए तो एक देश जन वहां से हैं, क्योंकि उन्होंने भी वही प्राप्त कर लिया है, उसी आत्मा को, शुद्ध आत्मा को, जिसको अरहंत भगवान ने प्राप्त किया है, इसलिए उनको ही कहें। लेकिन फिर भी कहीं कहीं आचार्यों ने सोचा कि भले ये गिर गया है बेचारा, गिर गया है बेचारा, बेचारा क्यों कह रहे, क्योंकि अब गिर गया है ना चौथे से ऊपर से, अथवा सम्यक्त्वादि से नीचे आ गया है, लेकिन इसने एक बार तो अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, अब कदाचित किसी भूल बस, कमजोरी बस गिर गया, कोई बात नहीं, अभी दूसरे में है ना, अभी मिथ्यात्व में तो आए नहीं ना, इसलिए उसको अपन एक देश जिन कहते हैं, जिससे उसको ये महिमा आ जाए कि ये सारा फल कहाँ का है, ऊपर से तोड़ के लाए हैं, ऊपर से तोड़ के लाए हैं, कहाँ से, सम्यक्त्व से, प्रथमोपम सम्यक्त्व प्राप्त किया ना एक बार, उसका फल है कि यहां पर भी एक देश जन कह दिया कि तुमने अच्छा काम किया है। कई बार नहीं होता कि कोई अच्छा काम करे एक्स्ट्रा, जैसे विद्यार्थी हैं तो उनमें से कोई एक बार अच्छा काम करता है बढ़िया, फिर बाद में कुछ गड़बड़ भी कर दे तब भी उसकी प्रशंसा हो जाती है, क्यों, प्रोत्साहित करने के लिए कि देखो तुमने बहुत अच्छा काम करते हो, तुम भले ही अभी गड़बड़ किया लेकिन तुम बहुत अच्छे हो, अच्छे हो, ऐसा कह के उसको उत्साह भरते हैं कि जिससे यह गलत काम कर रहा है वहां से हटके फिर अच्छाई के रास्ते पर आ जाए, फिर आगे बढ़े, प्रशंसा मिलती है तो व्यक्ति ऊपर की ओर फिर बढ़ने लग जाता है जिस चीज की प्रशंसा होती है। तो यहां पर आचार्यों ने यहां इसकी प्रशंसा की, इसको और कुछ नहीं कहा बल्कि एक देश जिन कह दिया, ऐसा नहीं कहा नालायक है, तो मूर्ख है, गधा है, ढोर है, इतना अच्छा ऊपर चढ़ गया था और समय सम्यक्त में अकल नहीं है, नीचे आ गया, ये तो पापी है, हटा, इसकी कोई जरूरत नहीं, ऐसा कुछ कहा उन्होंने, बिल्कुल नहीं कहा, ऐसा कहते तो उत्साह जो और बढ़ना था और गिर जाता। तो प्रशंसा कर दी कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, तुम अच्छे हो, अच्छे हो, अच्छे हो, एक देश जिन हो, क्या हो, एक देश जिन हो, तुम हमारी लाइन में हो, अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों की लाइन में नहीं हो। ऐसा सुनकर, ऐसा जानकर उसे उत्साह बढ़ता है कि नहीं, हमारा काम नीचे गिरने वालों में नहीं होना चाहिए, हमें तो ऊपर चढ़ना है, कदाचित अब मजबूरी में दूसरे से पहले में जाना पड़े तो जाऊंगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन मैं फिर वापस आऊंगा, क्यों, मुझे वहां नहीं रहना है, पहले वालों को तो आचार्यों ने एक देश जन नहीं कहा, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको तो और कह दिया अंधे जगत के प्राणियों, क्या कह दिया, अंधे अंधे कहते हैं, हमें ऐसे गुलिस्तान में नहीं रहना है, मिथ्या दृष्टि वाले गुलिस्तान में नहीं रहना, हमें तो किस में रहना है, ऊपर वाले में रहना है, जहां पर आचार्य प्रशंसा करते हैं, मुनिराज प्रशंसा करते हैं, तीर्थंकर भगवंत प्रशंसा करते हैं, अपना लघु नंदन बनाते हैं, हमें तो उनके जैसा बनना है, ऐसा जानकर उसके अंदर उत्साह है, उत्साह है, निरंतर उत्साह है, बढ़ता है तो आगे बढ़ता चला जाता है, इसलिए उसे एक देश जिन कह दिया। ठीक है, और एक बात और इससे सिद्ध हो गई, क्या सिद्ध हो गई, प्रोत्साहित किया है, जिससे यह भी निर्णय हुआ, क्या निर्णय हो गया अभिषेक, यह भी निर्णय हुआ कि यह संसारियों में कुछ विशेष है, स्पेशल है, संसारी तो सारे संसारी हैं ही, लेकिन यह संसारियों से थोड़ा अलग, जैसे जलते भिन्न कमल है, उनसे थोड़ा सा अलग ही है, उनसे भिन्न ही है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए एक अच्छा सबसे बड़ा लॉजिक तो अपन ने पहली इसके पूर्व की कक्षा में ले लिया, इसके 16 प्रकृतियों का, कर्म प्रकृतियों का बंध नहीं होता, जो किनके होता था, पहले गुणस्थान वाले मिथ्या दृष्टियों के होता था, अब इसके नहीं होता, तो यह उनसे कुछ विशेष है ना, ये बात सिद्ध हो जाती है कि यह 16 कर्म प्रकृतियों को नहीं बांधता है,
इस अपेक्षा से हमने इन पांच बिंदुओं के माध्यम से जाना कि दूसरे गुणस्थान को जानकर हम इतनी सारी विशेषताएं, इतने लाभ उठा सकते हैं और हमें उठाना भी चाहिए। ठीक, अब अंतिम टॉपिक इसका अतिरिक्त चर्चा, जो अभी तक पूरे गुणस्थान में नहीं आई, उन सब से कुछ और अलग। क्या अलग है अपन देखते हैं। अतिरिक्त चर्चा, पहला बिंदु सत, पहला पॉइंट है सत। इस गुणस्थान का तथा इसमें जीवों का अस्तित्व है। सत माने अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। ठीक है, किसका एग्जिस्टेंस, किसका अस्तित्व, गुणस्थान का भी और उसमें जीवों का भी, सबका अस्तित्व है, सदाकाल है। ठीक है, नंबर दो, सत के बाद नंबर आता है संख्या का, संख्या। इसमें जीवों की संख्या सामान्य से असंख्यात है। असंख्यात का मतलब पल्योपम के असंख्यात में भाग। पहले गुणस्थान में कितनी थी जीवों की संख्या, अनंत अनंत अनंत, पहले गुणस्थान में, क्योंकि उसमें मिथ्या दृष्टि वाले जीव तो अनंत थे। लेकिन दूसरे गुणस्थान में जीवों की संख्या है असंख्यात। कितनी असंख्यात, यदि और डिटेल में जानना हो तो असंख्यात को अपन ने, और जो शास्त्रों की भाषा में थोड़ा और अन्य शब्द में क्या कहा, पल्योपम के असंख्यात में भाग है। पल्ल क्या होता है, पल्ल पल्योपम क्या होता है, ज्यादातर तो लोगों ने पल्ल सुना है, पल्ल्योपम तो सुना ही नहीं। वास्तव में देखा जाए जिसे हम पल्ल कहते हैं असलियत में तो वह पल्ल्योपम है। क्या है, पल्ल्योपम है। पल्ल का अर्थ होता है गड्ढा, और अब गड्ढे की अभी बात नहीं करूंगा, कितने योजन का खोदना, फिर उसमें क्या क्या भरना, किसके बाल भरना, वो बाल भी कहां की भेड़ का भरना, बहुत लंबी चर्चा है। ठीक है, अभी अपन उसका विस्तार यहां नहीं कर सकते, तो अभी तो इतना समझें कि जो गड्ढा खोदना, फिर उसमें इतने बाल भरना और ऐसा ऐसा करना, फिर उस पर चक्रवर्ती की सेना चलाना, सब, फिर कितने कितने साल में वो बाल निकालना, ये सब इस गड्ढे का पूरा जो सिस्टम बनाया गया, इससे उपमा दी गई है। क्या दी गई है, उपमा दी गई है, वो संख्या निकालने के लिए, काल निकालने के लिए। इसलिए असलियत में तो इसका नाम है पल्ल्योपम। क्या नाम है, पल्ल्योपम। तो उपमा दी गई तो पल्ल्योपम। अब यहां पल्ल में भी असंख्यात समय होते हैं, असंख्यात वर्ष होते हैं, तो यहां देखें तो जीवों की संख्या भी यदि देखेंगे तो यहां पल्ल्योपम में असंख्यात, और असंख्यात के पल्ल्योपम के असंख्यात में भाग, माने असंख्यात के भी असंख्यात में भाग हो तब भी असंख्यात ही आएगा। कितना आएगा, माने दूसरे गुणस्थान में जीवों की संख्या कितनी हुई, असंख्यात हुई। ठीक है, अब अपन तीसरा बिंदु देखते हैं। सत संख्या हो गया, या थोड़ा सा इसी में और डिटेल किया है, नरक त्रयंच देव पृथक पृथक असंख्यात, माने दूसरे गुणस्थान वाले नारकी भी असंख्यात, दूसरे गुणस्थान वाले त्रयंच भी असंख्यात, और देव भी असंख्यात, सबको असंख्यात असंख्यात बताया अलग अलग। हाँ, अच्छा प्रश्न आया कि मनुष्यों की कितनी है, मनुष्यों की असंख्यात नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि मनुष्य ही असंख्यात नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि मनुष्य, यद्यपि मनुष्यों की संख्या असंख्यात है, किस अपेक्षा, जो समूर्छन मनुष्य हैं, लेकिन उनका तो दूसरा गुणस्थान होते नहीं, पहले ही होता है, इसलिए उनको तो यहां जोड़ेंगे नहीं। लेकिन जो पर्याप्तक मनुष्य हैं वो तो संख्यात ही हैं, तो इसलिए
इन तीन गति के जीवों की संख्या दूसरे गुणस्थान में स्थित, जीवों की संख्या तो असंख्यात कही लेकिन मनुष्यों की संख्या कितनी है? संख्यात है। अब किसी को प्रश्न उठेगा, संख्यात में कितनी? संख्यात में, क्योंकि संख्या भी तो होती है, उसकी कुछ कैलकुलेशन है क्या? तो है ना। संख्यात में उसकी है 13 करोड़। कितना? 13 करोड़। देखो मनुष्यों की संख्या दूसरे गुणस्थान में, मनुष्यों की संख्या है 13 करोड़। सबका अलग अलग आ गया, माने तीन गति के जीवों की संख्या असंख्यात 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 और मनुष्यों की आ गई 13 करोड़, ये दूसरे गुणस्थान में। ठीक, अब अपन देखते हैं ये हो गया सत संख्या। अब तीसरा नंबर आता है क्षेत्र। दूसरे गुणस्थान वालों का क्षेत्र कितना है? पूरे लोकाकाश में कितनी जगह रहते हैं? तो यहां बताया लोक का असंख्यात्म भाग। लोक का कितना? असंख्यात्म भाग। क्यों? पहले गुणस्थान वाले तो पूरे लोकाकाश में ठसाठस भरे हुए थे, पूरा लोक था, लेकिन दूसरे गुणस्थान वाले इनका स्थान लोक में लोक का असंख्यात्म भाग ही है, माने कम हिस्सा है, ज्यादा हिस्सा नहीं है। एक तर्क भी है इसके पीछे, पहले गुणस्थान वालों का पूरा लोक दिया था क्षेत्र, क्योंकि उसमें एकेंद्री निगोद आदि के सारे जीव आ गए थे और वे एकेंद्री के निगोद के जीव तो सारे लोकाकाश में ठसाठस भरे पड़े हैं, तो इसलिए उनका क्षेत्र तो पूरा 3 लोक हो गया था। लेकिन यहाँ तो एकेंद्री जीव होंगे नहीं दूसरे गुणस्थान में, दूसरे गुणस्थान वाले एकेंद्री होंगे क्या? 2 इंद्री होंगे क्या? 3 इंद्री होंगे क्या? 4 इंद्री होंगे क्या? असैनी पंचेंद्री होंगे क्या? कोई नहीं होंगे, ये सारे माइनस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दूसरे गुणस्थान वाले तो संगी पंचेंद्री है ना, जो सम्यक दर्शन प्राप्त करके लौटे हैं, इसलिए ऐसे जीवों की संख्या तो कम है, संख्या भी कम है, उनका एरिया क्षेत्र भी कम है। संख्या ज्यादा होती तो बात अलग थी, लेकिन संख्या भी कम और क्षेत्र भी कम, तो लोक का असंख्यात्म भाग। सत संख्या क्षेत्र हो गया। अब आगे बढ़ते हैं भाव। काल की चर्चा तो अपन पहले ही कर चुके, दूसरे गुणस्थान का काल। अब देखते हैं सीधा भाव। भाव सामान्य से 3 तथा विस्तार से 32 भाव हैं। अपन ने पहले गुणस्थान में देखे थे सामान्य से 3 भाव और विस्तार से 34 भाव, जो 53 भाव है ना जीव के, 53 में से कितने लिए थे पहले गुणस्थान में? कितने थे? 34। और 5 में से कितने थे? 3। वहां पर 5 में से 3 थे, यहां पर भी 5 में से 3 है, ये वाली तो समानता है। लेकिन वहां पर विस्तार से 34 भाव थे और यहां पर 32 है, 2 कम हो गए बस। तो हमें इतना देखना है 2 कौन से कम हो गए, बाकी तो वही के वही हैं सब। तो अपन देख लेते हैं, सबसे पहला शायोपसमिक भाव। शायोपसमिक भाव के कितने भेद हैं टोटल? टोटल कितने हैं? 18 भेद। 18 में से पहले गुणस्थान में कितने थे? 10 थे, और यहां पर भी कितने हैं? 10 ही हैं। 3 मिथ्या ज्ञान, ठीक है, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, पहले में भी थे यहां पर भी हैं। 2 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, और 5 लब्धियां, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर, ये शायोपसमिक लब्धियां। तो 10 शायोपसमिक भाव के भेद पहले गुणस्थान में थे, दूसरे गुणस्थान में भी हैं, कोई अंतर नहीं है इसमें, यहां तो 10 के 10। अब आगे बढ़ते हैं, शायोपसमिक भाव के बाद औदयिक भाव। औदयिक भाव के वहां पर कितने भेद थे? 21 से, टोटल 21 ही होते हैं और पहले गुणस्थान में 21 के 21 ही थे। अब यहां कितने कम हो गए? 1 कम हो गया। कौन सा कम हुआ बोलो? पहले नंबर यहां क्या था कि यहां कहीं था, कहां था?
अज्ञान के पहले क्या था? मिथ्या दर्शन। तो मिथ्या दर्शन यहां पर नहीं है, क्योंकि दूसरे गुण स्थान में मिथ्या दर्शन तो है नहीं। इसलिए 21 में से चार गति, चार कषाय, तीन वेद, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व और छह लेस्या, ये 21 में से एक चला गया मिथ्या दर्शन, तो 20 भेद यहां पर हुए। एक कम यहां हो गया। अब एक और कम होना है तो कहां होगा? नंबर तीन देखते हैं, पारिणामिक जो भाव है, यहां पर तीन थे पहले गुण स्थान में, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। यहां अभव्यत्व तो चला गया, कहां चला गया? क्योंकि ये तो भव्य जीव ही है, अभव्य तो है नहीं, इसलिए यहां पर दो ही भाव होंगे, जीवत्व और भव्यत्व, ये दो ही भाव जानना चाहिए। इस तरह से यहां पर भावों की संख्या सामान्य से तीन और विस्तार से 32 भाव इस गुण स्थान में होते हैं। अब अंतिम बिंदु बचा इसका, कौन सा? बंध प्रत्यय। बंध प्रत्यय और देखते हैं दूसरे गुण स्थान में कितने होंगे। अच्छा, कोई अंदाजा बता सकता है कितने हो सकते हैं? पहले में कितने थे? 55, 57 में से 55, दो कौन से कम थे वहां? आहारक और आहारक मिश्र, ये दो कम थे ना वहां 57 में से। अब यहां पर कितने कम हो जाएंगे? बहुत बढ़िया, मिथ्यात्व की पांच और चले जाएंगे, तो टोटल बचेंगे कितने? 50, बस इतना ही है। ठीक है, देख लेते हैं कैसे। बंध प्रत्यय, बंध प्रत्यय, पन अपन ने वो पढ़ा था ना छंद, पन मिथ्यात्व योग पंद्रह द्वादश अविरति जानो, पंचरु बीस कसाए मिले सब 57 मानो। पन मिथ्यात्व, तो ये पहले गुण स्थान में थे मिथ्यात्व की पांच भेद। अब यहां मिथ्यात्व गुण स्थान तो है नहीं, इसलिए पांच भी माइनस हो गए, बाकी तो सबके सब रहेंगे। तो यहां 12 अविरति हैं, 25 कसाय हैं और 13 योग हैं, बाकी सब वैसा ही का वैसा है। 55 में से पांच चले गए, तो 50 भेद यहां आश्रव के अथवा बंध के, ये यहां पर प्रत्यय माने कारण विद्यमान हैं। इनसे, इन कारणों से जीवों के आश्रव बंध अभी भी चालू है। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ कुछ विशिष्ट अपेक्षाओं से, विविधताओं से दूसरे गुण स्थान की यहाँ पर चर्चा की है, और दूसरे गुण स्थान को जानकर हमें इसकी वास्तविक स्थिति का तो ज्ञान होता ही है, और जितने इसमें लाभ बताए गए हैं उन लाभों के माध्यम से भी हम विचार करें कि यह दूसरा गुण स्थान अनेक अपेक्षाओं से पहले गुण स्थान से श्रेष्ठ है, और सबसे मुख्य बात कि यह भव्य जीव है, और मुख्य बात अल्पकाल में मोक्ष जाएगा, ज्यादा से ज्यादा संसार इसका किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन है, इतनी सारी विशेषताएं हैं। इसलिए ऐसा यह दूसरा गुण स्थान कहना तो नहीं चाहिए, प्राप्त करने योग्य है, क्योंकि इतनापन, इतना भी नीचे वाला गुण स्थान क्यों सोचें। तथापि पहले की अपेक्षा तो ठीक ही है, और थोड़ा सा ठीक नहीं, बहुत ज्यादा ठीक है, क्योंकि पहले वाले का तो कोई भरोसा नहीं कि संसार में कब तक है, कुछ नहीं कह सकते। और पहले में है तो ये भी नहीं पता कि भव्य है कि अभव्य है, लेकिन दूसरे में बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं, इसलिए दूसरा गुण स्थान पहले की अपेक्षा अच्छा है, श्रेष्ठ है, विशुद्धि वाला है, अशुद्धता की हीनता वाला है, ऐसा हम सब जानें, और ऐसे स्वरूप को जानकर सही वस्तु स्थिति का निर्णय करें। इसी भावना से यहीं विराम लेते हैं। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।